ओ बैटरी आ रखो जिम बैग में हैं, बैग में रखा है। अरे सर ये तो यही है, बस यही है। दूर दूर है ना थोड़ा फासला बना करना, बन के थोड़ा पीछे रहो। ये संगत का दौर है, विधायक गणेश चिंबला जी माँ अहिल्या के को माला अर्पित करने के साथ साथ प्रार्थना करते हुए, नमन करते हुए कि जल्द से जल्द न सिर्फ इंदौर शहर बल्कि प्रदेश और देश के साथ साथ वैश्विक तौर पर जिस तरह की ये समस्या आन पड़ी, जिस तरह की त्रासदी का दौर हम लोग देख रहे हैं, उससे मुक्ति मिले। इस मसले पर न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा रखते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों का भी हौसला बढ़ा रहे हैं, पुलिस कर्मियों के पास जाकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो ज़रूरत है इस तरह के भी कार्यों को सबसे अलग रही है और हर काम में इंदौर जो सकारात्मक रहा है उसमें नंबर वन रहा, लेकिन इस तरह की समस्या से पहली बार इंदौर राजनीतिक तौर पर जिस तरह यहाँ पर माँ इंडिया की जनता प्रणाम करने आकर दूर तब एक बहुत महत्व है, क्योंकि जब जब इंदौर पर इस तरह की संकट का ये इस तरह की पूजन अर्चन और माँ इंडिया से की गई प्रार्थना हमेशा कबूल हुई है और समस्या से क्षण को निजात मिली है, तो यही वजह रही कि यहाँ पर कैलाश विजय बन गई। अभी ठीक है, अभी कहाँ है, यहाँ पर प्रार्थना की निश्चित तौर पर कबूल हुई है। देखिए माता अहिल्या शिवभक्त थी और उनको वरदान था कि इंदौर में कभी भी महामारी नहीं होगी, कभी भुखमरी नहीं होगी। हम देख रहे हैं इतने वर्षों से कभी इंदौर में ऐसा संकट नहीं आया, पर चूंकि विश्वव्यापी संकट है तो इंदौर का ही बचना मुश्किल था, पर इस बीमारी से जल्दी इंदौर शहर मुक्त हो। आज आकाश जी और रमेश जी का आग्रह था कि वहाँ चलना चाहिए, तो मैं आया, मैंने कहा कि आप जनप्रतिनिधि हो, आप जाकर माता अहिल्या से प्रार्थना करो, मैं घर में बैठ के प्रार्थना करूँगा। बोले नहीं, आप भी चलिए। मुझे भी सौभाग्य मिला माँ अहिल्या के दर्शन करने का, तो रमेश जी और आकाश जी का प्रयास था कि यहाँ पर आकर माँ अहिल्या से प्रार्थना करें। हमने सांसद जी को भी कहा था, पर सांसद जी शायद पहले आकर निकल गए। तो कुल मिलाकर इंदौर स्वस्थ रहे, इंदौर अच्छा रहे, मस्त रहे, क्योंकि इंदौर की एक मस्ती की अपनी एक पहचान है और वो इस प्रकार जब ठहर गया शहर तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, जो भी देखता है वो अपने आप को, चाहे आप पत्रकार हो आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो इस शहर की जो जिंदा दिली है वो कायम रहे, इसके लिए हम माँ अहिल्या के चरणों में प्रार्थना करने आए थे। कल जैसे मोदी जी का किस तरह की माता से प्रार्थना की गई है? देखिए माता अहिल्या के हम सब भक्त हैं और हमारी अटूट आस्था है उनमें, और हमारा मानना है कि जब जब भी इंदौर में तकलीफ़ आती है, कोई पीड़ा आती है, कष्ट आता है,
तो माता अहिल्या से जब प्रार्थना करते हैं तो उनकी शक्ति से, उनके चमत्कार से वो समस्या ज़रूर हल होती है। तो सभी प्रकार के तरीके हम लोग अपना रहे हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास ये तो कर ही रहे हैं कि पेशेंट्स जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई हो, टेस्ट हो और उनका इलाज अच्छे से अच्छा हो। जो बाकी के लोग हैं उन्हें व्यवस्थित भोजन पानी की व्यवस्था हो। और उसी के साथ साथ आज हम लोगों ने माता अहिल्या से प्रार्थना की। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय रमेश मेंदोला जी भी हमारे साथ में हैं और हमारा विश्वास है कि आप लोग इंदौर का नेतृत्व करते हैं, इसलिए यदि आप लोग प्रार्थना करेंगे तो माता जी ज़रूर कृपा करेंगी और हमारा इंदौर कोरोना वायरस मुक्त होगा, ज़ीरो कोरोना वायरस होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अगर जी अभी आप कितने संतुष्ट हैं जिस तरह की प्रशासनिक तैयारियां चल रही हैं, खासतौर पर भोजन को लेकर हम देख रहे हैं कि काफ़ी समस्या है लोगों को? देखिए सभी लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में कोई कमी नहीं है, अच्छी बात यह है। थोड़ी बहुत कमियां देखने में आती है मगर हम सब मिल करके उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाला जो समय है उसमें कोई समस्या नहीं होगी और हम सब मिल के पूरी सफलता से कोरोना वायरस से मुक्ति इंदौर को दिलाकर ही दम लेंगे।